सो है गाइस, आज के इस एक्साइटिंग वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप भी पबजी मोबाइल खेलते हैं, पबजी लाइट खेलते हैं, तो आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप वॉइस चेंज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके मोबाइल में जैसे कि यू अल्ट्रा गेमिंग मोड का ऑप्शन होता ही होगा, और इसमें से आप वॉइस चेंज कैसे कर सकते हैं, और आप इसमें पबजी और पबजी लाइट अगर आप खेलते हैं तो उसमें आप कैसे सिलेक्ट करके आप किसी भी लड़की की आवाज़ निकाल सकते हैं, किसी भी बच्चे की, किसी भी एलियन की, और आप किसी की, जैसे कि बहुत सारे उसमें ऑप्शन आते हैं, तो आप चाहें तो किसी भी आवाज़ कैसे निकाल सकते हैं और सामने वाले बंदे को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी किसी भी, जैसे कि लड़का लड़की, कैसे आप उसकी आवाज़ें निकाल सकते हैं। तो आप अगर गेमिंग खेलते हो तो उस समय आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आप वॉइस चेंज कर सकेंगे। तो सिंपली सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने मोबाइल में आना है, और आपको फिर यहाँ पे यू अल्ट्रा गेमिंग मोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जिनके यहाँ पे आता है उन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यू अल्ट्रा गेमिंग मोड पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे यहाँ पे गेम वगैरह आ चुके हैं, जिनके यहाँ पर पबजी लाइट या पबजी मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जिनके भी सिलेक्ट नहीं है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस का आइकॉन पे क्लिक करोगे, फिर राइट वाले यहाँ पर आपको बहुत सारे गेम, जो भी आपके सिंपली मोबाइल में जितने भी गेम वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली पबजी मोबाइल या फिर पबजी लाइट, आप जिसमें वॉइस चेंज करना चाहते हो, सिंपली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैंने पहले से इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर आ जाओगे, और वहाँ से आपको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं, बैकग्राउंड कॉल्स, जैसे कि आपको बार बार यहाँ पे कॉल आता है, आप गेमिंग खेलते हो तो आप चाहते हैं कि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इसको आप कॉल को इनेबल रख सकते हो। बैकग्राउंड नोटिफिकेशन, आपके बार बार स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आते हैं जिससे आप खेलने में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो सिंपली आप इसे इनेबल रख सकते हो जिससे आपके स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आएगा, तो इसे आप इनेबल रख सकते हो। तो चलिए आगे की ओर स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसमें वॉइस चेंज भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि वाईफाई वगैरह, यहाँ पर वाईफाई पर इनेबल रखते हो तो आपके सिंपली नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा डोंगल वगैरह से भी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको और ऑप्शन मिलेगा, इसे आप इनेबल रख देना, जिससे आप थ्री फिंगर खेलते हो, फोर फिंगर खेलते हो, तो स्क्रीन शॉट आपके बार बार स्क्रीन शॉट नहीं लिया जाएगा, ठीक है, इसे आपको इनेबल रख देना है। यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर आपको इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे अपना, जैसे कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ध्यान रखना है, यू अल्ट्रा गेमिंग मोड यहाँ पे आपको ऑन रखना है, फिर आपको जो भी पबजी लाइट या फिर पबजी मोबाइल आप खेलते हो उनको आपको सिंपली ओपन कर देना है, और देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने सिलेक्ट किए थे कॉल वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह, ये आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं, तो सिंपली आप यहाँ से ओके कर देना, जैसे मैं इसको ओके कर देता हूँ, और सिंपली आपको लेफ्ट साइड की ओर वापस स्क्रॉल करना है, जिससे आप देख सकते हैं वॉइस चेंज। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइस चेंज का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली वॉइस चेंज पर आपको क्लिक करना है, और वॉइस चेंज पर आप जैसे क्लिक करोगे तो सिंपली आपके सामने और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, देख सकते हैं ओरिजिनल, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये आपके रोबोट वगैरह की आवाज़ निकालेगा, ये कोमेटर वगैरह की कुछ अलग आवाज़ निकालेगा, ये देख सकते हैं ये बच्चे की आवाज़ निकालेगा, और यहाँ से आप लड़की की आवाज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करके कर सकते हैं, और वापस से आप चाहते हैं कि ओरिजिनल आवाज़, तो यहाँ पर ओरिजिनल साउंड पर आप क्लिक करके नीचे देख सकते हैं, इस पर आप ओरिजिनल आवाज़ भी निकाल सकते हो, जैसे कि बच्चे की निकालनी है, इसी लड़के की निकालनी है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मेरे को बच्चे की निकालनी है छोटे, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके आपको यहाँ से कट कर लेना है, जिससे आपके बच्चे की आवाज़ निकाल सकेंगे, और वापस बंद करना चाहो तो भी इस तरीके से आप लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके बंद कर सकते हो। तो इस तरीके से आप भी ट्राई करके किसी भी बंदे या फिर आपके फ्रेंड या फिर किसी को भी आप आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हो, उसके मजे ले सकते हो, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।